वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉग्ड। सो फाइनली आज अगेन अ ग्रीन मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले दो हफ्तों से जो मार्केट का कंडीशन था, बहुत सारे ट्रेडर्स परेशान थे, उनका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा था, नेगेटिव हो गया था। लेकिन पिछले दो तीन दिनों में जो मार्केट ने रिकवरी दी है वो शानदार रिकवरी है। कल हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 4% से ऊपर था। आपका फुल पोर्टफोलियो 4% से ऊपर होना ये बहुत बड़ी बात है, ये जनरली नॉर्मल मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कल का जो मार्केट था वो एक एक्सेप्शनल केस था, ये चीज़ हमेशा नहीं होता है। कल निफ्टी भी अराउंड 2.5% तक ऊपर गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सब एक एक्सेप्शनल केस है, हमेशा ये चीज़ आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में। आज जो मैंने स्टॉक आपके लिए लाया है वो है विप्रो लिमिटेड का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विप्रो जो है वो एक आईटी कंपनी है, जिसका 97% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो आईटी सेगमेंट से आता है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री बिहाइंड TCS, Infosys एंड HCL टेक्नोलॉजी। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये जो कंपनी है ये इंडिया में फोर्थ प्लेयर है, इंडिया की लार्जेस्ट फोर्थ प्लेयर में आती है। एंड अभी जो एट्रिशन रेट चल रहा है, जिसमें कि इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट है। जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि एट्रिशन रेट क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एट्रिशन रेट मतलब ना कि जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो रिज़ाइन करके कंपनी से बाहर जाने लगते हैं। तो जब ये रेट बढ़ने लगता है तो कंपनी को थोड़ा लॉस में जाना पड़ता है। क्योंकि जो नए क्लाइंट्स नए एम्प्लॉयज़ को जो कंपनी हायर करती है उनके ट्रेनिंग में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस कारण से जो पुराने एम्प्लॉयज़ है अगर वो छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन शो करता है। तो अभी जो मार्केट में एट्रिशन रेट का बात चल रहा है, जिसमें इन्फोसिस अभी टॉप पे है और वहीं पे TCS और विप्रो, इनका एट्रिशन रेट सबसे कम है। मतलब कि बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं जो विप्रो एंड TCS जैसी कंपनी को रिज़ाइन करके दूसरे कंपनी में शिफ्ट होते हैं। ये तो हो गया हमारा विप्रो के बारे में बात। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक रेशियो कि विप्रो में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये हमारे लिए सही डिसीज़न होगा या नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये 2,68,000 की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी उसका करंट प्राइस 490 रुपये चल रहा है। हाई बनाया था आज के दिन का हाई था ये 52 वीक्स का हाई था 740 रुपीज़ का, और लो बनाया था 462 का, जो कि अभी दो तीन दिन पहले का ही बात है। स्टॉक का पी चल रहा है 22 का, और वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करें तो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 27 पर। मतलब कि देखा जाए तो पी से अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से अभी हमें अंडर वैल्यूड में ये कंपनी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में कंपनी का -4% का रिटर्न था। वहीं पे सबसे अच्छी बात है कि किसी भी प्रमोटर्स ने अपना जो प्लेज नहीं किया है अपना शेयर होल्डिंग्स, तो प्लेज परसेंटेज 0 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 73% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रोमोटर्स कम रहते हैं, प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग्स रहता है वो कम रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, बोल के वो अपना स्टेक जो है मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमें 73% का एक शानदार प्रोमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 22 पे चल रहा है। 5 साल में कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया है, और वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 7% का प्रॉफिट है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ROE की 3 साल में तो वो 19.1% का है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है 19-20% का सेम है। कंपनी एक डिविडेंड पे कर दी है जो कि 1.22% का है। फेस वैल्यू है कंपनी का 2 रुपया। ये तो हो गया कुछ बेसिक रेशियो की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का सेल्स का पहले हम लोग बात करते हैं। सेल्स मार्च 2011 में 31,000 करोड़ का हुआ करता था। वहीं पे 2011 से फिर 2012 में 37,000 का,
एक कांस्टेंट रहा नेक्स्ट ईयर 2014 में 43,000 का, उसके बाद 2017 में देखा जाए तो 55, 2019 में 59, 2020 में 61,000 करोड़ का था। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, हमें कंटिन्यूस एक ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे आ गया था हमारा पेंडेमिक, जब सारे लॉकडाउन्स लगे हुए थे। आईटी सेक्टर का तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट फिर भी उतना फ्रूटफुल नहीं होता है जितना कि लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और एज़ कम्पेयर टू जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इस टाइम में हमें कंपनी में गिरावट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट जो सेल्स है उनका सेम ही रहा, 61,138 और यहाँ पे 61,935। मतलब कि यहाँ पे भी अगर कहा जाए तो हमें हल्का सा इंक्रीमेंट देखने को ज़रूर मिला। उसके बाद अभी का आता है 2022, जो कि 61,000 से ये 79,000 करोड़ का हो गया। तो सेल्स में हमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है पास्ट 10 to 11 ईयर्स में, 2011 से लेके 2022 में कंटिन्यूस हमें एक प्रॉफिट मतलब सेल्स में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। आप देख सकते हैं 2011 में 6,000, फिर 7,000, 9, 10,000, 10,000, 11,000, 10,000, यहाँ पे एक हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला था 2017 से 2018 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे हमें कोरोना का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, 11,000, 12,000, 14,000 और अब भी 16,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल होने पे चला है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी हमें शानदार इंक्रीमेंट देखने को मिला, 5,000, 5,000, 6,000, 2014 में 8,000 के करीब, फिर 8,500, एंड सीन गोज ऑन, एंड फाइनली 2022 में हमें 12,230 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात। हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स में हो या एक्सपेंस में हो, सेल्स में हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, तो सब में कंपनी काफ़ी अच्छा अपना रिटर्न बना के दी है। ये तो कुछ हो गया फंडामेंटल्स का बात। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। ये अक्टूबर में कंपनी ने अपना हाई बनाया था 740 रुपये का, मतलब कि 52 वीक हाई जिसको हम लोग कहेंगे, वो था 740 रुपये का, और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 490 के करीब। दो तीन दिन पहले कंपनी में अपना लो बनाया था करीब 460 का। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ये स्टॉक बाई करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो आप करेंट सीएमपी में बाई कर सकते हैं 490 के करीब, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना है वो है 445 का, जो कि देखा जाए तो ये टॉप बहुत छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर मैं ये टॉप को स्टॉप लॉस देती हूँ कि सपोर्ट और कम स्टॉप लॉस का अगर वो काम करता है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है, तो इस कारण से मैं इसको हल्का सा नीचे करके देती हूँ। यहाँ पे 445 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं राउंड फिगर करके, या 440 आप लगा सकते हैं, तो ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में आप रख सकते हैं कि 610 या 615 तक ये शेयर प्राइस आपको आने वाले एक दो महीने में रिटर्न दे दे, और अगर आप सेकेंड टारगेट की बात करें तो 740 जो 52 वीक हाई था, आप उस टारगेट को लेके इस शेयर को बाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप इस शेयर को बाई करते हैं, तो उससे पहले एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें और फिर इन्वेस्ट करें। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस तीनों सिखाते हैं, जिसमें ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं कि कैसे पैसा बनाया जाए, फंडामेंटल्स या टेक्निकल या चार्ट कैसे स्टडी करें, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।